हाय एवरीवन वेलकम टू द अमेजिंग सीक्रेट विजडम वीडियोज फॉर द आर स्ट्रॉन्ग मेंबर्स आज का ये जो वीडियो है ये मैं चाहता था कि सब लोग देखें नॉट जस्ट द मेंबर्स बट आल्सो एवरीबडी एल्स इसके मैं एक ओपन फॉरम में आज इसे लेकर आ रहा हूँ uh, ये जैसे मैंने बहुत अमेजिंग टॉपिक्स आप लोगों से सारे अनबायस तरीके से अपने मेम्बर्स से डिस्कस करें हैं। हर वीक आपके लिए एक नया वीडियो आता है सीक्रेट विजडम का जो सिर्फ एक सीक्रेटली आप लोगों से शेयर होती हैं कुछ पर्सनलिटी uh, डेवलपमेंट कुछ सेल्फ हेल्प कुछ सक्सेस के बहुत ही स्ट्रेट फॉर्वर्ड ऑन द फेस फैक्ट्स वैसे ये आज का ये फैक्ट है जिसको मैं लेकर आया हूँ और अगेन uh, जैसे जैसे मेरे पास यू नो वी uh, एस के मेंबर्स मेरे से इंटरेक्ट करते हैं वी एस के बहुत सारे मेंबर्स इंट्रैक्ट करते हैं जेनेसिस के मेरे मेंबर्स इंट्रैक्ट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि यू नो कि उन लोगों को जो सोल्यूशन है वो देख सकूँ uh, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि ये सब लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी तो वो चीज़ मैं जनरली सीक्रेट विजडम में शेयर करता हूँ और जनरली सिर्फ अपने वीएर स्ट्रॉन्ग मेम्बर्स के साथ शेयर करता हूँ रियली वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ्स जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है बहुत डिफरेंट टॉपिक है और मैक्सिमम लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं है मैंने नहीं सुना कि कोई ऐसे टॉपिक्स के बारे में कभी जनरली बात करता है ओके okay? और वो टॉपिक है हाउ नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम स्टूपेड थिंग्स एंड अंडरस्टैंड योर ओन लाइफ अब ये दो चीज़ों को जो है कैसे लिंक करा जाता है यानी स्टूपड बेवकूफ चीजों से कैसे इन्फ्लुएंस नहीं होना और कैसे अपनी लाइफ को समझना है ये दोनों टॉपिक सुनने में अलग लग रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल साथ लिंक्ड है अब मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके जाता हूं सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हैं या आप यूट्यूब खोलते हैं आप एक चीज नोट करेंगे कि जितनी ज्यादा बेवकूफ हरकतें आप कर सकते हैं ना अगर आप बुक करेंगे आपके व्यूज जो है ना वो उतने ज्यादा बढ़ने लगेंगे अगर कोई इंसान कोई आपको साइंटिफिक नॉलेज दे रहा है कोई यू you नो know, किसी भी फील्ड में कोई आपको एजुकेशन दे रहा है तो उसके इतने ज़्यादा ना इन्फ्लुएंस जो फॉलोअर्स होंगे वो नहीं होंगे कोई व्यूर्स ज़्यादा नहीं होंगे कई हो गए हो सकते हैं इवेंचुअली डिपेंडिंग ऑन व्हाट टॉपिक ही इज़ कवरिंग और शी इज कवरिंग लेकिन मैक्सिमम केसेस में इंस्टाग्राम या यू नो फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया ये वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लोगों को चाहिए मसाला तो जितने टाइम वेस्टर्स वेले लोग हैं इस कंट्री के और इवन अब्रॉड ठीक है वो यहाँ पे यही ढूंढते रहते हैं अगर कोई लड़की आपको कोई एजुकेशन दे रही होगी कोई चीज़ तो उसके हार्डली व्यूज़ आएंगे ठीक है हाँ अगर कल को वो आ, बहुत स्किम्पी से क्लोज में आने लग जाए क्लीबेजेस दिखाने लग जाए जैसे चलता है इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं क्या हालत हो रखी है तो सडनली वहाँ व्यूज शूट अप करने लगेंगे उनके लाखों में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बढ़ने लगेंगे किसी को समझ नहीं आता ये फॉलोअर्स बढ़ क्यों रहे हैं और ये हैं कौन जिन्हें फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू तो जीरो है देर इज नथिंग योर लर्निंग देर इज नो मोटिवेशन देर इज नो इंस्पिरेशन देर इज नथिंग लेकिन जितनी स्टूपड पोस्ट जो गर्ल्स की आप देख रहे हैं जिनमें ऐसे ऐसे व्यूज आते हैं ये क्यों आते हैं और ये रियलिटी है फैक्ट है ये ऑन द फेस फैक्ट है जो कोई शेयर नहीं करना चाहता सिमिलरली मैं लड़कों पे आता हूं अगर कोई इंसान आपको कोई प्रैक्टिकल अच्छी एडवाइस दे रहा है उसके व्यूज आएंगे लेकिन लिमिटेड वहीं पर अगर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होनी शुरू हो जाए कोई उल्टी सीधी गालियां देने लगे एक दूसरे को कोई बंदा यू नो सामने बैठ के सिर्फ किसी को क्रिटिसाइज करे और उल्टी सीधी गालियां दे आ, गंदी गंदी गालियां वहां पे व्यूज बढ़ने लग जाते हैं बहुत लोग आते हैं हंसते हैं बड़ा इंजॉय करते हैं और वो बंदा धीरे धीरे एक इन्फ्लुएंसर बन जाता है आई डोंट नो वॉट टाइप ऑफ अ डम इंफ्लुएंसर दिज पीपल आर बिकॉज दर आर इन्फ्लुएंसिंग नो एक भी सेंसिबल चीज वो तो है ही नहीं लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो ऐसे लोग हैं इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इतने बढ़ जाते हैं ठीक है अगर कल को लेट से कोई यू नो you know, बहुत अच्छा कोई साइंटिस्ट अगर या डॉक्टर आ, आ, आ जाए अगर आपके यू नो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और वो आपको अच्छी नॉलेज देने लगे तो बहुत मुश्किल है उसके लिए सक्सेस पाना अफकोर्स सक्सेसफुल हो सकता है लेकिन इट टेक अ लॉन्ग टाइम लेकिन अगर कोई बेवकूफ़ आदमी जिसे कुछ नहीं आता कल वो आपके उल्टे सीधे नुस्खे आके देने लग जाए तो आप देखो कैसे उसके जो है फॉलोअर्स बढ़ते हैं दिस इज अ कॉमन इशू ये सोशल मीडिया का नॉर्म है दिस इज हाउ द एंटायर सोशल मीडिया वर्क्स बिकॉज अल्टीमेटली सोशल मीडिया इज मोस्टली प्योर एंटरटेनमेंट ठीक है तो जैसे ही स्टूपेड बेसलेस एंटरटेनमेंट पे लोगों यू you नो know, सारे के सारे उनके व्यूज बढ़ते हैं उसी तरह सोशल मीडिया काम करता है अब प्रॉब्लम ही आता है कि इनमें से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो काफ़ी यंगस्टर्स जो है ना उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और काफ़ी और भी लोग होते हैं इवन इन यू नो ओल्डर एजेस वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनको कुछ नहीं करना वो कभी आपको एक रुपए की नॉलेज इंफॉर्मेशन इंस्पिरेशन कुछ नहीं देंगे वो आते सिर्फ अपना लाइफ दिखा देंगे यू you नो know, uh, दो लड़कियां खड़ी हैं एक कार में बैठे हैं कोई रिजॉर्ट में जा रहे हैं ठीक है वहाँ पे आ, आ, सिगार पी रहा है कोई आ, जो है वो यू you नो know, क्या कहते हैं आई I मीन mean, स्विमिंग पूल में बैठे हैं वहाँ पे कुछ खा रहे हैं मेरे को जब भी मैं पोज देखता हूँ ना एंड सोच के देखना जब आप ऐसी पोज देखते हैं कभी ना उस पोस्ट को पांच छह पोस्ट को देखो उसके बाद साइड में बैठो और सोचो इस पूरी पोस्ट या इस इंसान की सारी की सारी पोस्ट देखकर तुम्हें क्या इसमें से इंफ्लुएंस जो आ, या जो मोटिवेशन थी इंस्पिरेशन थी मिली क्या सीखा तुमने इस इंसान से यह तुम्हारे को एक फॉल्स और में लेकर जाता है ठीक है मैक्सिमम लड़के जो कुछ नहीं कर रहे हैं एक ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं और ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपना टाइम वेस्ट करते हैं इनको सेलिब्रिटी स्टेटस पे पहुंचा देते इनको इन्फ्लुएंसर बना देते जबकि दीज पीपल डू नॉट डिजर्व इवन अ स्पेस ऑन सोशल मीडिया बिकॉज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीरो इनफैक्ट दे आर नेगेटिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ठीक है उनके इमोशन से खेल रहे हैं उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग थिंग्स जो इस कंट्री में सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए किसी इंसान की तो ये शो ऑफ दिखाते हैं और होता क्या है इन सारी स्टूपिड चीज़ों से अच्छा सिमिलरली गर्ल्स हैं वो आपको स्किम्पी क्लोथ में यू नो अजीब अजीब से पोजेज और एक फोटो नहीं अगर पूरे का पूरा अगर उनका इंस्टाग्राम पूरा उनका यू नो पेज देखा उसमें अगर सौ पोज है तो सौ की सौ कभी कोई पोज कभी किसी स्किम्पी क्लोथ में पोज कभी किसी मेकअप के साथ पोज एंड नथिंग एल्स तो जिस तरह लड़कियां इन्फ्लुएंस होती हैं उसी तरह लड़के इन्फ्लुएंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन हुम सच स्टूपेड पीपल यू आर लुकिंग एट ओके okay, ऐसे कैसे लोगों को आप देख रहे हैं अब प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप इन लोगों को देखते हैं लोगों से यू नो फॉल्सली इन्फ्लुएंस होते हैं तो मैं काफी यंगस्टर्स से क्वेश्चन करता हूं कि वॉट द हेल वॉज द लर्निंग वैल्यू इनसे आपकी लर्निंग वैल्यू क्या मिली आपको अगर कोई इंसान किसी दूसरे को गाली दे रहा है झगड़े कर रहा है कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, ठीक है

या किसी और अमेजिंग हैबिट में लगा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं कुछ लर्न कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं बट दे आर वेस्टिंग घंटों 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 ऑन दी स्टूपिड जो सो कॉल्ड पेजेस हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ऑफ सच पीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो एक बेस है उस पर तो बहुत अमेजिंग अमेजिंग लोग भी हैं जो आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं उनको नहीं देखना चाहते लोग लोगों को चाहिए ऐसा स्टूपेड एंटरटेनमेंट जैसे वी हो गए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई कोई बी लॉग जो है वो इंटेलिजेंट बी लॉग बना रहा है इसमें आपको बता रहा है कि भाई देखो आ, दिस इज़ व्हाट यू शुड डू दिस इज़ व्हाट यू शुड लर्न लेकिन मुझे सीरियसली समझ नहीं आता कि कोई इंसान अगर दिखा रहा है कि मेरे घर में ये है मेरे घर में एक आध वीडियो चलो ठीक है दो वीडियो ठीक है यार मैं यहाँ रहता हूँ पीपल ने रिक्वेस्ट करी कि आप अपना यू नो घर दिखाइए उसने घर दिखा दिया आप अपनी फैमिली से मिलाइए उसने फैमिली से मिला दिया दो तीन चार वीडियोज़ एक इंसान रोज आपको यही दिखा रहा है आज मैंने बेडशीट चेंज करी तो बेडशीट का कलर ये है मैं सो रहा हूं तो इतने बजे सो रहा हूं मैं टॉयलेट जा रहा हूं तो अब मेरा पेट ऐसे साफ हुआ है एंड पीपल आर इन मिलियंस हु आर दिस डम पीपल जो ये मिलियंस में जो वॉच कर रहे हैं ये कौन है ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में ना तो कोई उनका एम है ना इनका कोई गोल है ना इनका कोई मोटिव है ना ये कुछ अचीव करना चाहते और ना ये कभी करेंगे इनको सिर्फ यही टाइम वेस्टर्स चाहिए और टाइम पास चीज़ें चाहिए ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए लेकिन पीपल हु रियली वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स जब आप ऐसे फॉल्स लोगों को देखते हो दीज ए फॉल्स पीपल मैन यू लुक एट दैम जो इंसान आपको बड़ा शो ऑफ कर रहा है कि देखो मेरे पास ये गाड़ी है मैं इस लड़की के साथ घूम रहा हूं और मैं आज फॉरन ट्रिप पर गया हूं अपने को एक जगह पे बिठाओ सामने शीशे में देखो और सोचो और एवेल्युएट करो कि तुम्हारी लाइफ में उस टाइम पर तुम किस कंडीशन में खड़े हो तुम्हारा अपना फाइनेंशियल स्टेटस या बैकग्राउंड क्या है तुम्हारे अपने पेरेंट्स तुम्हारी अपनी फैमिली जो है वो कैसे चल रही है वो कैसे मैनेज हो रही है क्या तुम आ, बर्थ से गिफ्टेड हो कि तुम्हें सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हो यू नो फादर की बहुत पैसा है उनके पास करोड़ों के अरबों की, की प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास वैसे कोई काम नहीं करने को बिकॉज पैसा आ रहा है किराए का आ रहा है या फादर का बिजनेस है वो चल रहा है वहाँ से पैसा आ रहा है तो आप ऐसे वी बनाओ या बकवास चीज़ें करो लेकिन सर अगर आप उस सिचुएशन में नहीं हो जो इस कंट्री के 99.999% लोग नहीं हैं तो आप जब इन बेवकूफ़ों को देख रहे हो तो आप ये सोच के देखो कि क्या आपको अपने उस स्टेटस से उठने में किसी ऐसे बेवकूफ़ ने हेल्प करी इनफैक्ट आपको बहुत नीचे धकेल रहे हैं क्योंकि जो टाइम आप अपनी सक्सेस में या अपनी प्रोडक्टिविटी में अपने वर्क को एनहेंस करने में ठीक है अपने बिजनेस को या अपनी जॉब में अपनी लर्निंग वैल्यू एनहेंस करने में नॉलेज गेन करने में लगा सकते हैं वो सारा टाइम इन बेवकूफों को देख देख के आप वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वेन इट मैंने टॉक अबाउट डीज सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे जो भी लोग हैं इन्फ्लुएंसर्स इनको लोग कहते हैं आई डोंट कॉल डोंस देर इन्फ्लूसिंग नो बी ओनली इन्फ्लुएंसिंग इडियट्स ठीक है तो जो जिन लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं आई डोंट केयर ये जो भी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे आ, आ, जितने वेले हैं ना जो बिल्कुल ही लो ग्रेड जिनको जिनको जिनके यहाँ से सोचना नहीं होता जिनको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है तभी हमारे यहाँ पे इधर उधर के जो भी यू नो आते हैं ना बाबा या रात रात में नुस्खे देने वाले आपने देखे होंगे फिटनेस चैनल्स देख लीजिए फिटनेस चैनल्स नहीं है फेक चैनल्स जो हैं ये हाइट बढ़ा दूंगा तीन दिन में ये इतने पचास किलो कम बीस किलो कम ये सारे चैनल्स क्यों चल रहे हैं क्योंकि ये वही जनता है यही जनता है जो ऐसे चैनल देखती है यही जनता है जो ऐसे स्टूपिड से वीलॉग्स देखती है यही जनता है जो ऐसे फेक इंफ्लुएंसर सेले, को सेलिब्रिटीज बना देती है ठीक है और यही जनता है जो इन लोगों से इन्फ्लुएंस होती है जो इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहता है जो फोकस्ड है अपने गोल की तरफ वो ऐसे बेवकूफ चैनल्स कभी नहीं देखेगा और ऐसे लोग हैं बहुत लिमिटेड बहुत लिमिटेड और इसीलिए जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत लिमिटेड होता है इसलिए लिमिटेड लोग सक्सेस कर पाते हैं क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा यही वो डिस्ट्रैक्शन है जिनको आपको अवॉइड करना है टू रियली डू समथिंग गुड एंड प्रोडक्टिव इन योर लाइफ फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा लड़का है ठीक है जिसके पेरेंट्स आर वेरी मिडिल क्लास पीपल या लो मिडिल क्लास पीपल वो उतना ही अर्न कर पा रहे हैं जितने वो नॉर्मल यू नो नॉर्मल लाइफ जी पाए नॉट अ वेरी गुड हाई एंड लाइफ राइट एंड कई बार फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो जाती है प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है कईयों के पास अपना घर नहीं होता रहने के लिए कईयों के कल लोग रेंट पे रह रहे होते हैं पूरी पूरी फैमिलीज कई बार फैमिली इतनी बड़ी होती हैं कि छोटे से घर में सारे बहुत मुश्किल से रह पा रहे होते हैं ठीक है कई बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि इतनी अर्निंग नहीं, नहीं है सोर्सेज नहीं है घर में कि सब लोगों को की जो जो यू नो उनको जो चाहिए चीजें चाहिए जो तो बेसिक नीड्स हैं उसको भी पूरा कर पाएं कई लोग बेचारे बेसिक्स अच्छी स्कूलिंग एफोर्ड नहीं कर पाते ठीक है लग्जरी काज तो बहुत दूर की बात है लोगों को बाइक लेने के लिए भी दस बार सोचना पड़ता है टू व्हीलर लेने के लिए भी और हर इंसान की फैमिली का जो लेवल है स्टेटस है वो डिफरेंट होता है अब इस टाइम ऐसे लोगों का स्पेशली उन यंगस्टर्स का जो इस फैमिली में आने वाली जनरेशन है उसकी या जो प्रेजेंटली अपना करियर बना रहे हैं उनका फोकस कहाँ होना चाहिए उनका सबसे पहला फोकस होना चाहिए अपना और अपनी फैमिली का स्टैंडर्ड रेस करना अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक जगह घर पर रह रहे हैं जो घर बहुत छोटा है और आपको पता है यहाँ बहुत प्रॉब्लम है या तो एरिया अच्छा नहीं है या घर छोटा है या वो घर रेंट पे है तो आपका पहला एम क्या होगा कि सबसे पहले मैं इतना अर्न करूं कि मैं या तो लोन लेके या डिपेंडिंग ऑन हाउ आई अर्न मैं एक अच्छा सा डिसेंट घर जो मैं अपना घर कह सकूं अपनी फैमिली को दे सकूं ताकि एक जो सबसे बड़ी आज तक की जो हमारी प्रॉब्लम रही है आप लोगों की फैमिली की वो खत्म हो सके मैं अपनी फैमिली को अच्छा खाना खिला सकूं अच्छा फीड कर सकूं मैं अपनी फैमिली को अपने पेरेंट्स को जो बिकॉज वो आ, आ, बहुत मेहनत करके अपने एंड्स मीट नहीं कर पाए मैं इतना अर्न करूं कि मैं उनको थोड़ा बहुत ट्रैवल करा सकूं फिर मैं अपनी फैमिली बनाने पर सोचूँ फिर मैं ये सोचू कि जो तो मेरे बच्चे होंगे मैं उन्हें कैसे मैनेज करूँ अपनी वाइफ को के साथ कैसे मैनेज करूँ फाइनेंशियली चीज़ें कैसे ठीक हों ठीक है ये सब चीज़ें लोग नहीं सोच रहे हैं स्टैंडर्ड्स वही गिरे पड़े हैं कोई थॉट पैटर्न नहीं है कोई गोल नहीं है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है जिन बेवकूफों को आप देख रहे हो जिसका लाइफ स्टाइल आपको दिखा रहा है कि देखो मैं गोल्डन जूते पहन के फरारी में घूम रहा हूं सर उसके बाप का पैसा है वो वो उसको उड़ाए उसको आग लगाए आपके पास नहीं है आपका फोकस होना चाहिए टू रेज योर गॉड डैम स्टैंडर्ड जितना टाइम आप बेवकूफों को देखने में लगा रहे हो उतना टाइम अगर आप अपनी लाइफ में लगा दो कुछ लर्निंग में लगा दो यू विल रीच अ डिफरेंट लेवल स्टॉप वॉचिंग सच स्टूपेड सोशल मीडिया चैनल सच पीपल आई एम टेलिंग यू इनसे कुछ लर्निंग नहीं होगी इनको ब्लॉक करो देर इज नथिंग यू आर वेस्टिंग योर गॉड डैम टाइम इन लोगों के फॉल्स शो को देखकर आप रिच नहीं हो रहे हो अगर कोई सो कॉल्ड एक्टर एक्ट्रेस आ रहा है उसकी गाड़ियों के सामने जो लड़के इधर उधर से गिर रहे हैं उसकी सेल्फी लेने के लिए क्या करोगे सेल्फी लेके एक क्वेश्चन मैंने किसी से पूछा क्या करोगे सेल्फी को लेके क्या कर लिया तुमने किसको दिखाना है दस बेवकूफ हैं जिसमें से दो ने सेल्फी ले ली तो बाकी आठ बेवकूफों को ही तो दिखाओगे क्या तुम्हारी एजुकेशन लेवल बढ़ी लर्निंग बढ़ी तुम्हारे को पैसा मिला उसकी सेल्फी लेकर तुम्हारे को एप्रिसिएशन मिली तुम्हारे में कोई कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया तुम्हारा कोई नॉलेज बेस बढ़ा तुम्हारा कोई फैमिली स्टेटस बढ़ा क्या हुआ तो क्यों गिर क्यों रहा है क्यों अपने स्टैंडर्ड इतना लेवल डाउन कर रखा है तुम लोगों ने कोई भी कितने लोग लड़के देखो यार कोई भी एक एक्टर actor, एक्ट्रेस आता है जिसने किसी पिक्चर में काम किया उसकी जॉब है भाई वो और कुछ नहीं कर सकता वो उसी लायक है वो जाके इसरो में साइंटिस्ट नहीं बन सकता क्योंकि ही इज इज इट अ प्रोफेशन बहुत अच्छी बात है उसे अप्रिशिएट करो ठीक है लेकिन अगर वो कहीं पे कोई आ रहा है जिसको किसी ने इनवाइट करा है तो तुम गिर क्यों रहे हो आसपास वाई आर यू गोइंग देर एंड वेस्टिंग अ गॉड डैम टाइम क्यों पागलों की तरह सेलफोन पे लगे हुए हैं 24 घंटे किसी का लोग वी फॉलो कर रहे हैं इज अ वी सपोज टू बी गॉड डैम फॉलोड क्या वी कोई फॉलो करने की चीज है मतलब किसी के घर में क्या हो रहा है किसी के बच्चे को जुकाम हो गया किसी बीवी किसी की बीवी कहीं घूमने जा रही है वो साड़ियां खरीद रही है वो भाई साहब कुछ गोलगप्पे खा रहे हैं तुम्हार को क्या लेना देना इससे यार तुम्हें इससे क्या मिल रहा है इतनी वाहियात चीज के बारे में बात करके भी मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं लेकिन आई वॉन्ट माई ऑडियंस एंड माई पीपल टू लर्न अगर आप लोगों ने अभी तक स्पेशली वीएस एस ट्रूपर मेरे वीएस एस के जो मैंने सीक्रेट विजडम वीडियोस बनाए हैं वो नहीं देखे तो जाके देखो आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट सच टॉपिक्स कंटिन्यूअसली ये सारी स्टूपिड हरकतें स्टूपिड डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से हटाओ इन लोगों से इंफ्लुएंस होना बंद करो सोचो हर बार सोचो कि कोई भी चीज जो तुम कर रहे हो क्या वो तुम्हारी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है अगर वो नहीं कर रहा है तो मैंने जिस तरह पहले बताया अपने सीक्रेट ब्यूज वीडियोस में वो तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है जो चीज तुम्हार को इस समय तुम्हारे गोल से दूर ले जा रही है वो तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होना बंद करो दे आर फेक शो ऑफ पीपल इफ दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम समवेयर ठीक है एंड दे हैव टू मच टाइम इन लाइफ बहुत समय है पैसा कहीं से फ्री आ रहा है सर आपके पास ऐसी लग्जरी नहीं है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी फैमिली की और अपनी उसको बढ़ाओ अपनी फैमिली का स्टेटस बढ़ाओ उनकी तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन करो रादर देन ब्लडी वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस इडियट्स क्योंकि ये तुम्हार को बेवकूफ बना बना के पैसे कमा रहे हैं और तुम सिर्फ बेवकूफ बन रहे हो अगर यूट्यूब देखना है तुम्हें इंस्टा देखना है बिल्कुल देखो लेकिन वो चीज देखो जो तुम्हारे को लर्निंग वैल्यू देगी जो तुम्हारी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी नॉट ई स्टूपेड चैनल यार अगर कोई मतलब लड़के बिल्कुल यंगस्टर जो होते हैं ना जिनका कोई काम नहीं है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में नहीं है कुछ नहीं करना है और ना एक्चुअली में कोई कुछ करने लायक है अभी और ना कोई लग रहा है कि लक्षण के आगे कुछ करेंगे फिर ये रोएंगे दस साल के बाद जाके कि काश उस टाइम कर लिया होता क्यों क्योंकि उस टाइम तुम किसी बेवकूफ यूट्यूबर को जो बैठ के गालियां दे रहा तुम उसको इन्फ्लुएंसर बना रहे हो जो तुम्हारे को घर की अपनी खिचड़ी मेरे घर में खिचड़ी पक रही है मेरे घर में राजमा पक रहा है तुम वो देख रहे हो पूरे पूरे दिन ऐसे स्टूपिड चैनल्स जो वीलॉग्स बना रहे हैं मेरी सास आ गई मेरी आंटी आ गई व्हाट द हेल यार व्हाट द हेल और जो लोग इसको देख रहे हैं उनका मेंटल स्टेटस सोचो अगर आप इन चैनल को देख रहे हो जिसमें बताया हंड्रेड परसेंट वेस्टिंग योर टाइम हंड्रेड परसेंट वेस्टिंग योर टाइम दे आर दोस्ट वर्थ है डम थिंग्स और चैनल्स विच एनी बडी कैन वॉच मोस्ट ऑफ दम आर फेक दे आर शोइंग यू जो शो ऑफ कर रहे हैं वो मैक्सिमम फेक है बहुत सारी हिडन चीजें होती है जो आपको कोई नहीं बताता है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस जिस तरह ये लोग दिखाते हैं लाइफ में लड़कियां तुम्हारे साथ पूल में ऐसे नहीं होंगी सर तुम्हारे पास अभी गाड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं है और तुम ऐसी चीजें देख के क्या सोच रहे होगा तुम्हारे को कुछ टाइम के बाद इनको देख देख के क्या होगा किसी फाइव स्टार में दो लड़कियों के साथ पूल में बैठे हो गए एंड ले मी टेल यू वन मोर थिंग अगर पैसा आ भी जाएगा ना तो भी तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे अगर कर तुम्हारे एथिक्स हैं अगर तुम्हारी शादी हो रखी है या तुम्हारी फैमिली डिसेंट है क्या तुम्हारे को वो ऐसी हरकतें करने देगी कि दो जो लड़कियां हैं वो बिकनी में बैठी हैं और तुम अंडरवेयर में बैठे हो और उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हो या किसी लड़की को जो लड़की उसके साथ हो बेचारी क्या उसको उसकी फैमिली करने देगी नहीं करने देगी ना ऐसी हरकतें स्टूपेड ब्लडी डम हरकतें ठीक है तो देन डोंट वॉच दिस इडियट्स इनकी औकात इतनी नहीं है कि ये जिंदगी में कुछ और कर सके इसलिए यही कर रहे हैं लेकिन इन्हें यह पता है कि इंडिया में इतने बेवकूफ लोग बैठे हैं कि उनको हम ऐसी स्टूपिड चीजें और स्टूपिड हरकतें करके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इसलिए इस कंट्री में ऐसी बेवकूफी वाली चीजों के फॉलोअर्स सबसे ज्यादा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है बेवकूफ बनाने वाले लोग बहुत हैं अगर ये हरकतें किसी और कंट्री में मैक्सिमम लोग ले डैन बल्जेरियन भी एग्जाम्पल आपको देता हूं डैन बल्जेरियन इज अर्निंग मनी थ्रू पोकर ठीक है एनी शोइंग ऑफ के भाई मैं इस पर खर्च कर रहा हूं मैं ये कर रहा हूं ठीक है अब प्रॉब्लम क्या है वेन पीपल वॉच हिम क्या लाइफ है यार क्या यार लड़कियां हैं भाई क्या शेख चिल्ली पैदा हुए थे क्या क्या ड्रीम ले रहे हो सर उसके बाद पैसा है वो जैसा मर्जी स्पेंड करे उससे कितना गुना ज्यादा पैसा रतन टाटा मुकेश अंबानी अजीम भी इनके पास है क्या ऐसी हरकतें करते हो कभी इनको देखा है इट इज अ स्टूपिड लाइफ स्टाइल विच सच इडियट हैज चोजन कोई भी डिसेंट फैमिली मैन ऐसी हरकत नहीं करेगा आपको किस रूट पे जाना है वो आप चूज करो लेकिन किसी भी रूट पे जाने से पहले पहले पैसा तो कमाओ अपनी फैमिली का स्टेटस तो ऊपर करो अपना स्टेटस तो बढ़ाओ ऐसी हर, इनको देखने से स्टेटस बढ़ेगा जो टाइम तुम्हारे को अपने करियर में और अपना स्टेटस बढ़ाने में या अपनी लाइफ में सक्सेस पाने में यूज करना चाहिए उसको तुम कहाँ यूज कर रहे हो और वेस्ट कर रहे हो इन लोगों को देखने में इसलिए वो जिसे कहते हैं ना स्टॉप लिविंग इन अ गॉड डम ड्रीम वर्ल्ड सपने देख रहे ना तो कुछ अच्छे सपने देखो जिसमें कुछ अचीव कर पाओ और जैसे मैंने बताया लाइफ बेड ऑफ रोजेस नहीं है फूलों की कोई गद्दा या सड़क नहीं है जिसमें आराम से आप देख रहे हैं ऐसे लोगों को कि क्या ऐश हो रही है नहीं है सर ऐश ऐसी हर इंसान की लाइफ में अलग स्ट्रगल हैं जिसने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है फैमिली की उससे पूछो पूरी पूरी जिंदगी कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है कि अपनी फैमिली का स्टेटस आप करा जाए और यहां पे तुम इन बेवकूफों को देख रहे हो जिनमें से आदो के पास अपने बाप का पैसा है जिसको वो बर्बाद कर रहे हैं जिसको बेचारे उनके फादर ने कमाया है मेहनत कर करके वो बर्बाद कर रहे हैं या वो तुम्हें फेक शो ऑफ दिखा रहे हैं वो झूठ है लाइफ उनका बैकग्राउंड कुछ और है और वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं टू क्रिएट अ फॉल्स और सो एनी इडियट हु इज जो आके तुम्हारे को गालियां दे रहा है उसका चैनल इस बेस पे चल रहा है कोई वीडियो गेम खेल रहा है कोई गालियाँ दे रहा है कोई यू नो तुम्हार को कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है ज़बरदस्ती की कोई तुम्हारे को अपने घर की हरकतें दिखा रहा है मैं आज पका रहा हूँ मैंने कपड़े पहने हैं ये सारे चैनल आर हंड्रेड परसेंट टाइम वेस्टर्स एंड यू विल जस्ट एंड जस्ट जस्ट वेस्ट योर गॉड डैम टाइम एंड योर लाइफ ये लाइफ लिमिटेड है प्रेशर्स है सक्सेस पाने के लिए पूरी जिंदगी नहीं है इस लिमिटेड टाइम को यूज करो स्टॉप वॉचिंग से स्टूपर थिंग्स एंड फोकस ऑन योर गॉड डैम करियर इफ यू वॉन्ट टू लिव अ गुड लग्जरी लाइफ जो तुम उनको देखता यू नो देखते हो कि मैं ऐसी लाइफ चाहता हूं तो उस लाइफ के लिए वर्क करना पड़ता है इन बेवकूफों को देखने से ऐसी लाइफ नहीं आती है दिस इज नॉट मोटिवेशन दिस इज नॉट इंस्पिशन दिस इज डिप्रेशन और ये डिप्रेशन तुम तुम्हा, तुम्हारे अंदर क्रिएट हो रही है एंग्जाइटी क्रिएट हो तुम्हें पता भी नहीं लग रहा है सो दैट्स वाई स्टॉप वॉचिंग थिंगस एंड फोकस ऑन योर लाइफ फोकस ऑन योर करियर तभी सक्सेस मिलेगी आई होप ये कंसेप्ट आपके दिमाग में इतनी डिटेल मैंने समझाया क्लियर हो गया ओके okay गाइस और नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग सीक्रेट विजडम वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा तब तक के लिए टेक केयर बाय एंड चैन